नाम है हसीब अहमद और अपने चैनल पे आप सबको दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पासपोर्ट साइज तस्वीर बनाना सीखेंगे कि एक तस्वीर को जो मोबाइल से खींची हुई तस्वीर का किस तरह बैकग्राउंड को चेंज करते हैं इस तरह, और किस तरह पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट करके एक पूरे पेज के ऊपर इस तरह कैसे लगाते हैं। तो चले आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को दबाएं ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम न्यू फाइल में जाएंगे और तो उसके नीचे न्यू, न्यू के नीचे ओपन आ रहा है, ओपन में क्लिक करेंगे तो ये हमें कंप्यूटर में हमारा जो फाइल होगी उसमें ले आएगा। यहाँ पर मैंने पिक्चर बना के रखी हुई है, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा तो यहाँ पर हमारी तस्वीर जो है ओपन हो जाएगी। इस वाली को डिलीट कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे हमारी तस्वीर आ गई। अच्छा अब हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक क्रॉप टूल नज़र आ रहा होगा, क्रॉप टूल की मदद से हम इस तस्वीर को जैसे ही हम क्रॉप टूल करेंगे तो ऊपर ऑप्शन खुल जाएंगे। हम 1.5 इंच रखेंगे और हाइट में 2 इंच रखेंगे, रेजोल्यूशन जो है 300 रखेंगे। इस तरह हम जो है इसको थोड़ा सा नीचे का हिस्सा काट देंगे, ये हमने काट दिया। अच्छा अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा क्रॉप हो गया। अच्छा इसका बेसिकली मकसद ये है, ये आपकी जितनी भी तस्वीर होगी उसको इस साइज़ में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमारी क्रॉप हो गई है पिक्चर, हम कंट्रोल जे से इसकी कॉपी कर लेंगे। एक कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल आ रहा होगा, क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से हम बैकग्राउंड को जो है सिलेक्ट कर लेंगे, बहुत आसानी से सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह हम कर देंगे। अच्छा ये थोड़ा सा हिस्सा हमारा आ चुका है, इस पे आ चुका है तो हम क्या करेंगे, आल्ट दबाएंगे, आल्ट दबा के इसको माइनस कर देंगे, ये ऐसे माइनस हो गया। थोड़ा सा आस्तीन भी हमारा यहाँ से हट गया, हमारा सेट हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अच्छी तरह सिलेक्शन कर ली, यहाँ पे हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। सिंपल न्यू लेयर पे जाएंगे, न्यू लेयर को दबाएंगे तो ये न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हमने कॉपी हुई हुई लेयर है उस पर सिलेक्ट करके हम यहाँ पे डिलीट की मदद से कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन होगा, डिलीट दबाएंगे तो ये हमारी बैकग्राउंड जो है डिलीट हो जाएगा जितनी हमने सिलेक्शन करी हुई है। अच्छा अभी हमें पता नहीं चल रही क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वाली लेयर जो है वो ओपन है, इसके आई बॉल को हम बंद करेंगे तो ये हमारी बैकग्राउंड जो है डिलीट हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये जो हमने न्यू लेयर क्रिएट करी थी सिंपल, यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे कलर करेंगे, जौन सा भी आपको कलर चाहिए, वाइट चाहिए, रेड चाहिए, येलो चाहिए, मैं इसको ब्लू में करूँगा। ओके किया यहाँ पर, यहाँ ब्लू कलर आ जाएगा। यहाँ पे पेन बकेट टूल होगा, पेन बकेट टूल की मदद से हम इस पर कलर कर देंगे, इस पर कलर करेंगे तो बैकग्राउंड पर जितनी हमने सिलेक्शन करी हुई उसके ऊपर ब्लू कलर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो हमने कॉपी की हुई थी लेयर उसके ऊपर आएंगे, कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग, कंट्रोल डी की मदद से जो हमने सिलेक्शन करी हुई है इसको डिलीट कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो बैकग्राउंड लेयर है उसको हम उसके आई बॉल को ओपन करेंगे, जैसे हम ओपन करेंगे तो हमारी पिक्चर बिल्कुल सही हो जाएगी। अब यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और इसको जो है लेयर को ओपन कर लेंगे। लेयर को ओपन करने के बाद हम पहले यहाँ पे फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद न्यू में जाएंगे, कंट्रोल एन है इसकी शॉर्ट कमांड, यहाँ पे हम पिक्सल है, पिक्सल को कन्वर्ट कर देंगे इंच में, और यहाँ पे विड्थ को कर देंगे हम 7, हाइट को कर देंगे 5, यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे तो हमारा न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें 8 तस्वीरें बनानी है, तो किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे हम आएंगे इन तीनों लेयर को एक लेयर में कन्वर्ट कर देंगे, तीनों को पहले कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल ई से इसको एक लेयर में मर्ज कर देंगे, उसके बाद इस लेयर को जो है हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से, कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर दिया। मूव सिलेक्शन टूल की मदद से उसको हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे कोने पर, ये हमारी
एडजस्ट हो गई, कंट्रोल जे की मदद से इसकी ये कॉपी करेंगे। अच्छा अब यहाँ देखिएगा आप, ये जो रेड कलर का आ रहा है ऊपर का मतलब है ये उस तस्वीर के साथ है हमारी, मकसद उस तस्वीर में और इस तस्वीर का जो डिस्टेंस है वो इतना है। अच्छा यहाँ पे सेंटर है, सेंटर रेड कलर जो आ रहा है यहाँ, इसका मकसद है ये वाला साइड जो है बिल्कुल सेंटर में है, तो हमें सेंटर में नहीं रखनी, थोड़ी सी इस तरफ रखनी है ताकि हमारी दूसरी तस्वीर भी आए, यहाँ पे हमारी दोनों तस्वीरें परफेक्ट आ गई। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल की मदद से इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद एक लेयर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर कंट्रोल जे से कॉपी कर देंगे। कॉपी हुई भी लेयर को पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे मूव टूल की मदद से, यहाँ पे इस तरह इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब ये हमारी चार पिक्चर्स आ गई। अब कंट्रोल की मदद से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई से इसको मर्ज कर देंगे, फिर दोबारा इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको नीचे एडजस्ट कर देंगे। इस तरह हमारी पासपोर्ट साइज तस्वीर जो है एक पेज के ऊपर 8 तस्वीरें इस तरह हमारी कंप्लीट हो गई। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दिएगा जाते जाते, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।